यूपीए की सख्त धाराएं लगातार, दिल्ली पुलिस ने चारों आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई भी कर दी है। सबसे अहम बात, पुलिस ने कोर्ट में यह भी कही है कि संसद की सुरक्षा में हुई चूक के पीछे किसी आतंकी संगठन का भी हाथ हो सकता है। और पुलिस के मुताबिक यही वजह है कि इस मामले में जांच पूरी होने से पहले कुछ कहना मुश्किल है। पुलिस के मुताबिक घटना में आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। पुलिस ने कोर्ट में ये भी कहा कि जिस प्लानिंग से पूरी घटना को अंजाम दिया गया वो किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, इसलिए पुलिस को शक है कि इन आरोपियों के पीछे कोई बड़ी ताकत या कोई बड़ा संगठन शामिल हो सकता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो रिमांड के दौरान आरोपियों को गुरुग्राम और मैसूर लेकर जाएगी, क्योंकि इन दोनों शहरों का कनेक्शन घटना की प्लानिंग से होने का शक है। इसके अलावा आरोपियों को लखनऊ भी ले जाया जाएगा जहां से जूते खरीदे गए थे। यही नहीं, आरोपियों को स्मोक बम की जांच के लिए मुंबई भी ले जाया जाएगा। और इसी वजह से संसद की सुरक्षा में भी कई बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव सुरक्षा जांच के तरीके से भी हुए हैं और संसद की एंट्री के नियमों में भी किए गए हैं। संसद की नई इमारत में एंट्री के 6 गेट हैं और उनसे अब एंट्री पहले की तरह नहीं होगी, बल्कि अलग अलग लोगों के लिए एंट्री के अलग अलग गेट तय कर दिए गए हैं। इन्हीं बदलावों की वजह से मेघालय के सीएम कुनार संगमा को पैदल चलकर संसद भवन में जाना पड़ा। संसद के गज द्वार से केवल प्रधानमंत्री की एंट्री होगी, उनके अलावा ये गेट किसी के लिए भी नहीं खोला जाएगा। हंस द्वार का इस्तेमाल केवल लोकसभा स्पीकर के लिए किया जाएगा। इसी तरह अश्व द्वार का इस्तेमाल राज्यसभा चेयरमैन की एंट्री के लिए होगा, जबकि सांसदों और मंत्रियों की एंट्री संसद के मकर द्वार से होगी। मीडिया कर्मियों की संसद में एंट्री अब गरुड़ द्वार से होगी, जबकि मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के लिए गरुड़ द्वार और शार्दुल द्वार होगा। इतना ही नहीं, सुरक्षा जांच में भी कुछ कड़े बदलाव किए गए हैं और संसद में दाखिल होने वाले लोगों के जूते उतरवाकर भी जांच की गई। संसद की सुरक्षा के लिए पहले से कहीं ज्यादा सख्त प्रोटोकॉल बनाए गए, जिनका पालन भी शुरू कर दिया गया है। संसद में विजिटर गैलरी में पहुंचने वाले लोगों पर भी चर्चा हुई है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस पर जवाब दिया और सांसदों से पास जारी करते वक्त सावधान रहने की अपील की। ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। सुरक्षा में हुई चूक की घटना के बाद से ही संसद को ज्यादा सुरक्षित बनाने पर मंथन हो रहा है, इसलिए फैसला लिया गया है कि विजिटर गैलरी के आगे शीशा लगाया जाएगा ताकि भविष्य में विजिटर गैलरी में बैठा कोई शख्स कूद ना पाए। इसके अलावा एयरपोर्ट की तर्ज पर संसद में बॉडी स्कैनिंग मशीनें लगाई जाएंगी। इसके अलावा संसद में सुरक्षा कर्मियों की गिनती बढ़ाने का फैसला लिया गया है। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, संसद की सुरक्षा में चूक मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों को जिस तरीके से कोर्ट में पेश किया गया है उसके बाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 7 दिन की पुलिस रिमांड में उन्हें भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में उन्हें पेश किया था और 7 दिन की पुलिस रिमांड पर उन्हें भेजा गया है। कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन की भूमिका की भी आशंका जताई और ऐसे में अब 7 दिनों की रिमांड पर लिया गया है चारों आरोपियों को। लगातार इनसे पूछताछ हो रही है, कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 15 दिन की रिमांड मांगी गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, लेकिन 7 दिन की पुलिस रिमांड अभी फिलहाल पुलिस को मिली है। और संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। विपक्ष के सांसदों ने इस मुद्दे पर संसद में हंगामा किया है, जिसके बाद कुल 15 सांसदों को संसद के शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जिनमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल हैं। इन 15 सांसदों पर संसद में अनुशासनहीनता का आरोप लगा। हालांकि संसद में हंगामा करने वाले सांसदों की तुलना सरकार ने उन्हीं आरोपियों से की है जो एक दिन पहले विजिटर गैलरी से कूदे थे। हालांकि कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा भी हैं, जिनकी सिफारिश पर आरोपियों को संसद में एंट्री मिली थी। कांग्रेस नेताओं ने बेंगलुरु में बीजेपी सांसद के पोस्टरों की चप्पल से पिटाई की है। इतना ही नहीं, तस्वीरों में प्रताप सिम्हा के हाथ में आतंकियों की तरह बंदूक तक दिखाई गई। उधर लखनऊ में रहने वाले आरोपी सागर शर्मा के घर वालों ने ये दावा किया है कि उनके बेटे को किसी बड़ी साजिश के तहत फंसाया गया है। सागर की मां तो अपने बच्चे को बेकसूर बताने के दौरान कैमरे के सामने ही रो पड़ी और उन्होंने रोते हुए ये दावा किया कि उनका बेटा सागर बेकसूर है। अपने बेटे के लिए उनकी आंखों से लगातार आंसू गिरते रहे। रोने की वजह से उनका गला बुरी तरह से भर गया और वो भरे गले के साथ ही सागर के निर्दोष होने की बात कहती रही। इस दौरान वहाँ पर उनकी बेटी पास में बैठी रही जो अपनी माँ को लगातार चुप करवाती नजर आई। हमारे बच्चे को फंसाया गया है, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो रिक्शा चलाता था, एक ही बेटा है मेरा, वो मेरे सहारा है, वही मेरा सहारा,
घर वालों के मुताबिक पिछले 3 महीने से सागर लखनऊ में ई रिक्शा चलाने का काम कर रहा था और वो घटना से 2 दिन पहले दिल्ली में किसी प्रदर्शन में शामिल होने की बात कहकर घर से निकला था। लखनऊ से पहले वो बेंगलुरु में करीब 2 साल रहा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बेंगलुरु में रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात कर्नाटक के मैसूरू में रहने वाले मनोरंजन से हुई थी। और इसी तरह आरोपी नीलम के घर वालों ने भी उसे बेकसूर बताया है। उन्होंने दावा किया है कि बेरोजगारी से परेशान होकर मजबूरी में उसने इतना बड़ा कदम उठाया और वो रो रो कर अपनी बेटी को निर्दोष बताती रही। न्यूज 18 की टीम से बातचीत करने के दौरान उनकी आंखों से आंसू की धार फूट पड़ी। दिल का दर्द बयां करते हुए उनकी आवाज भरी हुई थी और फिर उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बेटी को याद करके वो बिलख पड़ी। आंखों से गिरते अपने आंसू को छुपाने के लिए उन्होंने अपना चेहरा कपड़े से ढक लिया। बाद में उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा कदम मजबूरी में उठाया क्योंकि कई डिग्रियां हासिल करने के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। बस पढ़ाई तक परेशान थी, नौकरी नहीं मिल रही थी उसने। जानकारी के मुताबिक नीलम पिछले 6 महीने से हिसार में रहकर हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी, लेकिन 25 नवंबर को उसने अपना कमरा खाली कर दिया था। हालांकि इसकी जानकारी उसने घर वालों को नहीं दी थी और ना ही वो अपने घर जींद लौटी थी। और दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि संसद में स्मोक कलर अटैक का मास्टरमाइंड और इस साजिश का छठा आरोपी कोलकाता का रहने वाला ललित जा है, जिसने इस घटना के करीब 30 घंटे के बाद सरेंडर कर दिया। उसके इशारे पर संसद के अंदर अंजाम दी गई इस घटना ने पूरे देश को ही झकझोर कर रख दिया। संसद के अंदर आरोपी सागर और मनोरंजन ने न सिर्फ घुसपैठ की बल्कि दोनों दर्शक दीर्घा से लोकसभा की कार्यवाही के दौरान कूद गए। जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने वहां कलर स्प्रे कर दहशत फैला दी। इस घटना के बाद लोकसभा के अंदर मौजूद तमाम सांसद बुरी तरह से घबरा गए क्योंकि कलर स्प्रे करने के बाद पूरे हॉल में पीले रंग का धुआं छा गया। हालांकि बाद में किसी तरह दोनों आरोपियों को सांसदों ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई भी कर दी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश रचने वाला, या ये कहें कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड ललित झा है। पुलिस के सूत्रों का ये भी दावा है कि संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन करने वाले चारों आरोपी उसी के संपर्क में थे। और पुलिस सूत्रों का यह बड़ा दावा है कि घटना से पहले ललित ने चारों के फोन अपने पास रख लिए थे। घटना के बाद जैसे ही पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की वो सभी के फोन लेकर फरार हो गया। शक है कि चारों आरोपियों के फोन में इस साजिश से जुड़े कई सबूत हो सकते हैं और इसीलिए प्लानिंग के तहत आरोपी ललित इस घटना के बाद सभी के मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया था। शक है कि उसने मोबाइल फोन में मौजूद इस साजिश से जुड़े सबूतों को मिटा दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस की टीम इस घटना की पूरी साजिश से पर्दा उठाने में जुटी है। इसके लिए संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ में चारों आरोपियों ने बेरोजगारी, किसानों की समस्या और मणिपुर की समस्या पर सरकार का ध्यान दिलाने के मकसद से इस घटना को अंजाम देने का दावा किया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को इनकी बातों पर यकीन नहीं है क्योंकि शक ये है कि इस घटना के पीछे कोई बड़ा मकसद हो सकता है। इसका पता लगाने के लिए आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच जरूरी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कोलकाता का रहने वाला ललित पेशे से एक टीचर है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक ललित ने ही चारों आरोपियों के साथ मिलकर संसद के अंदर स्प्रे कांड और संसद के बाहर प्रदर्शन करने की साजिश को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि ललित ने इस घटना को अंजाम देने के लिए 13 दिसंबर की तारीख तय की थी और सूत्र बताते हैं कि ललित और उसके साथियों ने भगत सिंह से प्रभावित होकर इस घटना को अंजाम दिया ताकि पूरे देश का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो सके। सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को पकड़े गए आरोपियों के किसी भी आतंकी संगठन से जुड़े होने के सबूत नहीं मिले, लेकिन इसके बाद भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल को खंगालने में जुटी हुई हैं। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ललित के कहने पर इस घटना के लिए 13 दिसंबर का दिन तय किया गया था। ये वो दिन है जिस दिन ठीक 22 साल पहले संसद पर आतंकियों ने हमला किया था और उस आतंकी हमले में 9 लोग शहीद हो गए थे। मतलब जानबूझकर ललित ने इसी दिन संसद में स्मोक कलर अटैक की प्लानिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक घटना को अंजाम देने से 2 दिन पहले ललित ने ही सभी को गुरुग्राम बुलाया था और सारे लोग दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में विशाल उर्फ विकी के घर पर रुके थे। और पुलिस सूत्रों का यह बड़ा दावा है कि जिस वक्त उसके साथियों ने इस घटना को अंजाम दिया उस दौरान आरोपी ललित संसद के परिसर में ही मौजूद था। इसी वजह से दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि इस घटना को पूरी तैयारी के साथ अंजाम दिया गया और संसद की सुरक्षा को भेदने के लिए एक एक चीज की बारीकी से प्लानिंग की गई थी।
पुलिस सूत्रों का दावा है कि संसद के अंदर और बाहर हुई इस घटना के दौरान आरोपी ललित संसद के परिसर में ही मौजूद था। मतलब संसद के अंदर स्मोक कलर अटैक और ठीक उसी वक्त संसद के बाहर हो रहे प्रदर्शन पर ललित नजर बनाए हुए था। दावा किया जा रहा है कि वो लोगों की भीड़ में छिपा हुआ था और संसद के बाहर अपने साथी नीलम और अमोल के प्रदर्शन का वीडियो बना रहा था। सूत्र ये भी बताते हैं कि संसद के बाहर ललित ने जो स्मोक कलर अटैक हुआ था उसका वीडियो अपने फोन पर बनाया और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। लेकिन जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने अपने जांच पड़ताल शुरू की तो वो फरार हो गया और 13 दिसंबर की रात उसने राजस्थान के नागौर में एक होटल में छिपकर बिताई। उसके अगले दिन वो वहां से दिल्ली लौट आया और सरेंडर कर दिया। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ललित झा ने संसद के अंदर और बाहर हुए स्मोक अटैक की घटना का एक वीडियो अपने दोस्त नीलाक्ष को भेजा था। मुताबिक नीलाक्ष कोलकाता में साम्यवादी सुभाष नाम से एक एनजीओ चलाते हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की इस घटना के बाद नीलाक्ष सामने आ गए। उनके मुताबिक इसी साल अप्रैल में कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान उनकी ललित से मुलाकात हुई थी और उसने नीलाक्ष को अपना परिचय एक सोशल वर्कर के रूप में दिया था। नीलाक्ष के मुताबिक ललित ने दावा किया था कि उसे पिछड़े वर्गों के लिए काम करना अच्छा लगता है। सूत्र बताते हैं कि दिसंबर महीने में नीलाक्ष के एनजीओ में एक मीटिंग होनी थी, लेकिन जैसे ही ललित को इसका पता चला तो उसने मीटिंग को 12 दिसंबर से पहले करने की सलाह दे दी। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि ललित काफी वक्त से इस घटना को अंजाम देने की तैयारी में था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ललित ने संसद हमले के तुरंत बाद नीलाक्ष से संपर्क किया था। घटना के बाद दोपहर करीब 1 बजे उसे संसद में घुसपैठ का एक वीडियो नीलाक्ष को भेजा था। नीलाक्ष का दावा है कि वो उस समय कॉलेज में थे और इसीलिए उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा।